अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने बिजनेस वर्ल्ड में उभरता सितारा बन रहे अडानी ग्रुप की नींव हिलाकर रख दी है। आलम तो ये है कि महज 3 दिन में इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के निवेशकों को 58,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट की वजह से ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ पर भी भारी असर पड़ा है। आंकड़ों की माने तो अडानी की नेटवर्थ में $36.1 अरब यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की भारी गिरावट आई है। जिसके साथ ही ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 7 पायदान से खिसक कर 11वें पायदान पर पहुंच गए हैं। पिछले साल अडानी अमीरों की लिस्ट में 3रे नंबर पर थे। जहां 24 जनवरी को इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी 7वें स्थान पर लुढ़क गए तो कल ये स्थान 8वां रहा। लेकिन अब सामने आए आंकड़ों की माने तो अडानी टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर हो गए हैं और वो 11वें पायदान पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की माने तो अडानी की नेटवर्थ $84.4 अरब रह गई है। वहीं पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है, जिसके जवाब में अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को FPO को नाकाम करने की साजिश करार दिया था। जिसके बाद से ही अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं अडानी ग्रुप के शेयरों में सोमवार को भी गिरावट दर्ज की गई। ग्रुप की 10 कंपनियों में से 7 गिरावट के साथ बंद हुई, जिसमें से 5 कंपनियों के शेयरों ने लोअर सर्किट छुआ। बता दें कि अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% की गिरावट आई है, जबकि अडानी ट्रांसमिशन में 14.91%, अडानी विल्मर, अडानी पावर और NDTV में 5% की गिरावट आई है। वहीं अडानी पोर्ट्स का शेयर 0.29% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि अडानी इंटरप्राइजेज में 4.21%, ACC में 1.10% और अंबुजा सीमेंट्स में 1.65% की तेजी देखी गई। वहीं कारोबारी सत्र के 3रे दिन के बाद अडानी ग्रुप का मार्केट कैप $65 अरब यानी कि 29% कम हो चुका है। सोमवार को अडानी की नेटवर्थ में $8.21 अरब की गिरावट आई। गौर करने वाली बात यह है कि अडानी ने पिछले साल $44 अरब की कमाई की थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अमीर शख्स बन गए थे, लेकिन इस साल वो $36.1 अरब गंवा कर इस साल के सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले अरबपति बन गए हैं। ऐसे में अडानी की एशिया और भारत में नंबर 1 रईस की कुर्सी भी खतरे में है। ऐसा ही रहा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी कभी भी उनसे आगे निकल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।